दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। दिल्ली हाईकोर्ट शराब नीति घोटाले केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आज यानी मंगलवार को अपना फैसला सुनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाला केस में जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया दोनों मामले में गिरफ्तार है और न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच मंगलवार यानी 21 मई को ईडी और सीबीआई मामले में दोनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुना सकती है। माना जा रहा है कि जमानत पर आज शाम 5 बजे फैसला आएगा। हाईकोर्ट ने 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली शराब घोटाला केस में अदालत में बहस के दौरान ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि वो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अगले चार्जशीट यानी आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया। मनीष सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मुकदमे के जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है। ईडी और सीबीआई दोनों ने इस आधार पर सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।